हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ऑल बांग्ला टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज मैं आपके सामने ले आया हूँ कैनन का Z2010 एक प्रिंटर है। गाइस, इस प्रिंटर में जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है गाइस। आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि P70 एक एरर आता है गाइस। ये जो नंबर है P70 का, आप लोग डिस्प्ले में भी आप लोगों को दिखाऊंगी, रेड लाइट ब्लिंक करता है और एक एरर मैसेज आ रहा है डिस्प्ले में, P70। आप लोगों को प्रिंटर ऑफ ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने का तुरंत बाद डिस्प्ले में ये जो लिखा है P07, ये जो एरर है, इस एरर प्रॉब्लम को गाइस आप लोग घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए गाइस। हम इस एरर प्रॉब्लम को आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करना है। आप लोग घर में बैठे इस एरर प्रॉब्लम को आप बिल्कुल सलूशन कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना और मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस, ये जो एरर प्रॉब्लम है, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल एक सलूशन है। आप लोगों को पहले तो प्रिंटर का पावर ऑफ कर देना है। प्रिंटर का पावर ऑफ करके प्रिंटर का जो पावर स्विच है उसको दबा के रख के स्टॉप बटन को 5 बार दबाना है। आप लोग देख सकते हैं 3 4 5 स्टॉप वाला बटन को 5 बार दबा के छोड़ देना है। उसके बाद गाइस, पावर वाला जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा। आप लोग देख सकते हैं गाइस, पावर वाला जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। तो गाइस, ये जो ब्लिंक कर रहा है, जब ये जो पावर वाला स्विच मतलब लाइट जब रुक जाएगा, तब आप लोगों को और एक काम करना है गाइस। आप लोग देख सकते हैं जो लाइट है हमारा वो रुक चुकी है। तो गाइस, अभी आप लोगों को जो स्टॉप वाला बटन है गाइस, ये वाला स्टॉप वाला बटन को 3 बार दबाना है गाइस। 3 बार स्टॉप वाला बटन को 3 बार, 1 2 3, 3 बार दबा के पावर वाला स्विच को 1 बार दबाना है। तो गाइस, दबाने के बाद आप लोगों को प्रिंटर से एक प्रिंट आउट निकलेगा। मतलब आप लोगों को प्रिंटर में कितना पेज प्रिंट आउट हुआ है, प्रिंटर का सीरियल नंबर A to Z इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट होगा। मतलब कुछ देर में प्रिंट आउट होगा। आप लोग देख सकते हैं पावर स्विच ब्लिंक कर रहा है, मतलब जो लाइट है ग्रीन लाइट वो ब्लिंक कर रहा है। तो अभी आप लोगों को प्रिंटर में एक प्रिंट आउट होगा। आप लोग देख सकते हैं गाइस, एक प्रिंट आउट हो रहा है। सो गाइस, इस प्रिंट आउट में प्रिंटर का फुल डिटेल्स लिखा हुआ आता है, मतलब कितना प्रिंट हुआ है प्रिंटर में A to Z। उसके बाद स्टॉप वाला बटन को गाइस आप लोगों को 4 बार दबाना है गाइस। आप 4 बार दबाने के बाद पावर वाला बटन को 1 बार दबा के स्टॉप वाला बटन को फिर से 1 बार दबाना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंटर का पावर ऑफ कर देना है, मतलब 2 बार दबा के प्रिंटर का पावर बंद कर देना है। उसके बाद जब प्रिंटर का पावर बंद हो जाएगा, उसके बाद गाइस आप लोग फिर से प्रिंटर को ऑन कीजिएगा। देख सकते हैं गाइस, प्रिंटर का पावर जो है वो ऑफ हो रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं पावर स्विच वाला जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो गाइस, उसके बाद तुरंत बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रिंटर का जो पावर है उसको फिर से दबा के प्रिंटर का पावर ऑन कर लेना है। तो गाइस, वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं गाइस, उसके बाद आप लोग प्रिंटर का पावर जब भी ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप लोग प्रिंटर को पावर फिर से ऑन कर लेना है। उसके बाद लोडिंग आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में लोड हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। तो गाइस, इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। एकदम सिंपल तरीका है, आप लोग घर बैठे इस प्रॉब्लम को सलूशन कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, डिस्प्ले में 1 लिखा हुआ आया है, उसका मतलब हमारा जो प्रिंटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो गाइस, चलिए आप लोगों को जेरोस करके दिखाते हैं, मतलब जेरोस करके आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी हुआ कि नहीं। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर आप लोग देख सकते हैं, मतलब कुछ भी प्रिंट आउट करने के आप लोग प्रिंट आउट करेंगे तभी ये प्रॉब्लम आती है, मतलब पेपर फंस जाती है प्रिंटर में, तब इस ये जो प्रॉब्लम है एरर मैसेज तभी आता है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे वीडियो को, मतलब प्रिंटर को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए। तो गाइस, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। तो देख सकते हैं गाइस, हम जेरोक्स कर रहे हैं तो जेरोक्स हो रहा है। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, इस स्कैनर में जो पेज है वो ब्लैंक पेज था, इसलिए ऐसा जेरोक्स हो रहा है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं फुल जेरोक्स करके। तो गाइस, स्कैनर में कुछ भी दे देता हूँ प्रिंट आउट के लिए।
आप लोगों को बस दिखाने के लिए कि हमारा प्रिंटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं, हम जेरोक्स वाला बटन को दबा दिया और जेरोक्स हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं, मेरा जो जेरोक्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गाइस आप लोग घर बैठे इसी तरह इस एरर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।